फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और इस समय बज रहे हैं 10। बाहर आप देखेंगे तो धूप निकली है, लेकिन ठंड है यहाँ पे, काफ़ी ठंड है। देख रहे हो आप इधर से वाली खिड़की से, ये वाली से हवा आ रहा है तो ठंडा लग रहा है। इस किचन में ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है और पैर भी बहुत ज़्यादा गल रहे हैं मेरे तो। अब ठंडी है में मैं क्या करती हूँ कि मोजे पहनती हूँ, क्योंकि मेरे एड़ियाँ फटने लगती हैं। तो अब वो शुरू करूँगी, नहीं तो एड़ियाँ काफ़ी फट भी जाएंगी और ठंड से भी बच जाऊँगी मैं। तो यही है गांव पे। लेकिन हम लोग गए थे अभी तो वहाँ पे बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। वहाँ पे मतलब अभी फैन वैन चला के हम लोग सो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और शिवार बिल्कुल सॉक्स ना पहनना चाहता है, ना टोपी लगाना चाहता है। डर लगता है कहीं उसको ठंडा ना लग जाए। सो फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है इस समय 12:30। खाना बन चुका है, चाची को मैंने बुलाया है, मुझे जाना था बाहर कुछ काम से। तो अभी शिवार सोया है तो मैं सोची फटाफट से बाहर होके आ जाऊँ। फ्रेंड्स, मैं बाहर निकलूँगी तो फिर मिलूँगी आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स, वो निकल गए हैं। ये वाली सड़क पहले बनी नहीं थी, बन रही थी असल में, और इस बार जब हम लोग घर से आए हैं तो बन गई है। अच्छा लग रहा है, बारिश में ठीक रहेगा, नहीं तो बहुत कीचड़ हो जाता था इस रोड में। जब हम लोग आए थे तो बारिश का मौसम था, बारिश का ही रहा होगा या उसके बाद बारिश आई हो, गर्मी में हम लोग आए हों, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे तो उस समय। लेकिन कीचड़ हो जाता था। एक दो बार हम लोग गए हैं इस तरह पैदल तो बहुत दिक्कत होता था, अभी लेकिन ठीक है। इधर आप देख रहे हैं सब धान के खेत हैं, सूख गए हैं, उनकी कटाई शुरू हो गई है। इधर सबके घर हैं और पीछे वो जो घर आपको दिख रहा है वो हम लोग का नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार पहुंच जाऊं शॉप पे, फिर मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, ये भी एक काम था, मुझे हेयर स्टाइल बनवाना था क्योंकि मुझे आज जाना है संगीत सेरेमनी में, तो शाम तक जाना है। मैंने अभी शिवार सोया था तो मैंने सोचा ये काम अभी कर लेती हूँ, हो सकता है तब तक कुछ इधर उधर हो जाए बाल। लेकिन मैंने सोचा यही समय सही रहेगा तो मैं यहाँ आ गई हूँ। और भी कुछ चीज़ें खरीदनी है मुझे तो वो भी मैं लूँगी। सबसे पहले मैंने यही काम कराया ताकि ये हुआ रहेगा तो अगर मैं कुछ जो चीज़ें लेनी है तो अगर शिवार टूट गया तो मैं बिना लिए भी चली फ्रेंड्स, जाऊँगी। मैं अपना काम करके आ गई हूँ, रास्ते में हूँ। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, देख एक सेकेंड, ये देखिए आप सब देख पा रहे हो शिवार कैसे अपने पापा के साथ खड़े हैं। इन लोगों का मतलब ये हाल हो गया कि बाहर आके वेट कर रहे हैं, और मतलब क्या हाल हुआ होगा उनके पापा का, समझ सकते हो कि मैं एक घंटे के लिए दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा। शिवार्थ, ए शिवार्थ, टाटा करो, टाटा करो लल्ला। और ये देखिए लल्ला उठी उठा हो गया पुट्टी पुट्टा। सो फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ आपको कि मैं क्यों गई थी, क्या करने गई थी, क्या काम था। तो ये देखिए कैसे दिख रहे हैं। और इन बाप बेटों की हालत तो आपने देखी ली कैसे हंस रहा है अभी सुन के। तो बेसिकली मुझे जो ड्रेस पहन के जानी थी वो गाउन है एक, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। मतलब सब ये जब पैदा हुए थे उससे पहले की है तो वो नहीं आ रही थी मुझे अभी, मतलब फिटिंग थी और मुझे फिटिंग कपड़े पहनने पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लूज हो 1 इंच, तो वो कराना था। बाकी थ्रेडिंग कराना था, लेकिन मैं देखी ये सोए थे, फोन करके पता किया मैंने, तो मैंने हेयर स्टाइल भी हल्का फुल्का करा लिया है। तो कुल मिला के तैयारी हो रही है जाने की। तो यही चीजें थी, 2 चीजें, और भी कुछ काम थे मैंने पर किए नहीं क्योंकि ये रो रहे थे तो मैं फटाफट से आ गई। पर इतना इन्होंने मेरा करवा दिया, इसी के लिए थैंक यू शिवार, शिवार जी थैंक यू। देखिए 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 ये देखिए ये देखिए ये ऐसे ही ये गिर रहा है ये। और ये तो मतलब अब शुरू किया, रवान तो कब से शुरू कर चुका है, जब यहाँ था तब से ऐसे ही करके ये, जैसे ये मान लीजिए मेरा ये पैर है इसी के सहारे पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के धीरे 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 करके ये सर के भी गलत बाहर आ जा रहा है, चोट लग जा रही है इन लोगों को। तो कुल मिला के वॉकर भी बहुत काम का नहीं है इन लोगों के लिए, ये लोग अब बड़े हो रहे हैं, कुछ और चीज चाहिए इनको कैद करने के लिए।
अभी देखिए बाहर कैसे आने के लिए रो रहा है। मैं इनको थोड़ा कुछ खिला दूँ फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ ये है मेरी ड्रेस जो मैं पहनूंगी, सिवार तैयार है, मैंने उसको उसके पापा को दे दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, सिवार तैयार हो चुका है और उनके पापा ने उनको संभाला हुआ है थोड़ी देर, जब तक वो है तो मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि गाउन पहनना है, साड़ी होता तो ज़्यादा टाइम लगता। ये देखिए फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ तैयार, और सिवार यहाँ है चाची के पास, ये भी है तैयार, रो रहे हैं आने के लिए। सो अब हम लोग देख निकलने ही वाले हैं, बस एक बार मैं निकल जाऊंगी तो फिर रास्ते में मिलूंगी आपसे आराम से एकदम, और बिल्कुल समय से हैं हम लोग। असल में निकलना था हम लोगों को 4 बजे, वो उन्होंने बुलाया 4 बजे तक था, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि निकलेंगे 4 बजे तक, तो 4 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है, तो हम लोग समय से हैं। क्या होगा यार, चाची और हम लोग निकल चुके हैं, सिवार्थ को देखिए कैसे बैठे हैं बहुत आराम से, लेकिन अब ये बहुत परेशान करने लगे हैं, कहीं भी जाते हैं तो आगे स्टेयरिंग पे जाने के लिए जिद करने लगते हैं। और ये मैं आ गई हूँ एक शॉप पे, मुझे कुछ लेना था सिंगार का सामान जो कि मुझे देना है साड़ी के साथ, जो मैंने साड़ी लिया था उसके लिए, तो वो मैं ख़रीदने आ गई हूँ। Thank you.